आशीष सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। किस लिए आए आज? आज हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, श्रमिक समस्याओं के निराकरण हेतु एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन भिजवाया है। उसमें हमारी कुछ श्रमिकों की समस्याएं उनका है निराकरण करने के लिए, श्रम कानूनों का पालन पूर्ण भांति सुनिश्चित किया जाए और श्रम कानून किसी प्रकार का परिवर्तन श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, काम के पूर्व निर्धारित 8 घंटों को ही अमल में लाया जाए जबकि सरकार कहती है कि 12 घंटे करने जा रही है, उत्तर प्रदेश के कामगारों के 6 भत्तों की बहाली अविलंब की जाए, महंगाई भत्ते पर 1.5 वर्ष की रोक को हटाया जाए, देश के सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण को दूर रखा जाए, विद्युत अधिनियम 2020 के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने के दुष्परिणामों की विवेचना आवश्यक है, क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को प्रमुखता से समस्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और प्रदेश स्तर पर स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए, प्रवासी मजदूरों के लिए जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाए जिसमें ट्रेड यूनियन को सम्मिलित किया जाए। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन को